रकमा की एक और कामयाब चाल, मगर कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो रकमा ने एक और कामयाब चाल चल दी है और कामयाबी मिलती हुई दिखाई भी दे रही है। पहले जब चली थी टुक्कू जी को भड़काने की, वो भी कामयाब हुई। देवी अहिल्या और टुक्कू जी के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए और अब फिर से उन्होंने एक चाल चली है जिसमें किसका क्या फायदा होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर रकमा की जो जलन है उसको जरूर थोड़ी शांति मिली होगी। मगर ये चालें कामयाब हो कैसे जाती हैं, इसके ऊपर जरूर चर्चा करना बनता है दोस्तों। मगर पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिस तरह हम इस सीरियल के जरिए देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में, नेगेटिव के क्षेत्र में, खास करके नेगेटिव जो कह सकते हैं कि एक यूनिट है नेगेटिव यूनिट, उसमें औरतें ही आगे हैं। जो पॉजिटिव यूनिट है जहां पे देवी अहिल्या है, उनको अपनी बात मनवाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मगर यहाँ पे जो नेगेटिव है वहां पे औरतें हर चाल अपने तरीके से खेल रही हैं और जैसे चाहती है पुरुषों को मना लेती हैं। ये है वो कैसे का जवाब। तो यहां रकमा भी वही कर रही है। पहले रकमा कुछ अलग तरीके से टुक्कू जी को भड़काने का काम करती थी, यानी कि सीधा सीधा जो मन में था वो बोल देती थी, मगर अब वो नई ट्रेनिंग लेके आई है तो अब अपने ही तरीके से चीजों को कह रही है, यानी कि देवी अहिल्या की तारीफ करते हुए। वही उन्होंने इस बार फिर से किया। गंगूबा ताते और टुक्कू जी बैठे हैं और बातचीत हो रही है, पूरा ब्योरा दे रहे हैं, पीछे से जो जो कुछ हुआ टुक्कू जी बता रहे हैं गंगूबा तात्या को। मगर यहां पे रकमा आती है और उस बात की तरफ इशारा करती है जो बात टुक्कू जी ने की ही नहीं है, वो प्रस्ताव जो देवी अहिल्या अब लाने वाली है, यानी कि दहेज प्रथा। दोनों पुरुषों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को बताया कि क्या है ये। टुक्कू जी ने भी हमदर्दी बताई उस पंडित जी के लिए जिनके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी को वर को गिफ्ट देने के लिए, यानी कि दहेज देने के लिए। तो यहां पे गंगूबा ताते ने बहुत सही कहा और मुझे उस बात से वाकई में खुशी हुई, ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आज तक सुना नहीं था जो गंगूबा ताते ने बताया, बहुत अच्छा था। क्योंकि प्रॉपर्टी में आज भी हम देखते हैं कि औरतों का भी, यानी कि बेटियों का भी उतना ही हक होता है। आज तो इस बात के ऊपर आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं, बेटियों ने भी अपने हक की डिमांड करनी शुरू कर दी है। मगर पहले बेटियों के हक को पिता ऐसे देते थे जिसको कि दहेज प्रथा का नाम दे दिया गया। तो ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ में आया और अच्छा भी लगा। तो यहां पे जो रकमा करना चाहती है, सबसे पहले तो हैरानी इस बात की होती है कि रकमा ये जो कर रही है जलन में, वो कितनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करने वाली है। अभी तक तो देवी अहिल्या ने सिर्फ एक पंडित जी की मदद करने की बात की है, जो तो कुछ ने भी कहा कि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रही है, मगर उनके मन में, गंगूबा ताते के मन में, टुक्कू जी के मन में ये बात बिठा दी कि ये वो कल अगर दरबार में बोलेगी तो क्या होगा, परंपरा खत्म हो जाएगी, जो शुरू से चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको कैसे पता रकमा को कि देवी अहिल्या इस प्रस्ताव को किस तरीके से पेश करने वाली है। क्या वो इतनी बेवकूफ है कि सीधा ये बोले कि दहेज प्रथा खत्म करो, नहीं है। ये बात गंगूबा ताते को सोचनी चाहिए क्योंकि उनको तो बहुत एक्सपीरियंस है देवी अहिल्या के साथ काम करने का। तो फिर ये रकमा की बात कैसे सुन लेते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि रकमा जिस तरह से उसने ये बात कही अपनी जलसी में, उसने अपना और अपने आने वाली जो भी पीढ़ी है, औरतों की जो पीढ़ी है, उनका तो नुकसान किया, उन पिताओं की भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से नुकसान किया, उन फादर्स का जो अपनी बेटी के लिए ये दहेज नहीं बटोर पाते हैं। रकमा जैसी औरतें ही होती हैं जो ऐसी परंपराओं को हमेशा आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास वो सक्षम धन होता है, मगर वो दूसरों के बारे में नहीं सोचती है। क्यों? क्योंकि वो सोच ही नहीं सकती है। जैसा उन्होंने जब पंडित जी पकड़े गए थे तब उन्होंने बोला था कि आपकी वाड़े के अंदर आके आत्महत्या करने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि दिल में कंपैशन ही नहीं है, दिल में तो जलन भरी हुई है। और देवी अहिल्या कैसे प्रस्ताव पे प्रस्ताव पास कर रही है, इसकी जलन भरी हुई है।
इसलिए ये नया प्रस्ताव जो देवी अहिल्या ने अभी कहा भी नहीं है, रकमा ने समझ लिया और इसी को पहले से ही दबाने की कोशिश में उन्होंने गंगूबा तात्या के मन में ये बात डालनी शुरू कर दी कि कल को अगर दरबार में आता है तो आप लोगों को इस प्रस्ताव पे आवाज उठानी है, मानना नहीं है। तो अभी तक तो वो बात रकमा की कामयाब हो गई, क्योंकि गंगूबा तात्या ने कहा कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा हो अगर जो छोटी रानी है वो दरबार में ये प्रस्ताव लेके ना आए। कहने का मतलब, अगर लाया गया ये प्रस्ताव तो मैं विरोध करूंगा। तो ये रकमा जो है दोस्तों अपनी जलन में बहुत नुकसान कर रही है लोगों का, आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो लड़कियां हैं उनका नुकसान कर रही है, और इसके लिए उसके मन में बिल्कुल दया नहीं है। उसको चाहिए सिर्फ अपने पति की कामयाबी, चाहे हुक और बाय क्रूक। तो ऐसे उसकी ये चाल कामयाब हो गई है, आगे देखते हैं, क्योंकि मल्हार सरकार भी उसी दरबार में है और देवी अहिल्या की तो क्या ही बात कहनी, वो अपनी बात को इस तरीके से रखती है कि किसी का भी नुकसान नहीं होता है, और वैसे ही वो ये बात भी रखेंगे। मगर उससे पहले जो तैयारियां चल रही है देवी अहिल्या को हराने की, जो रकमा कर रही है, उसके तो कहने ही क्या। आप भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ औरतें जो नेगेटिव पक्ष में बैठी हैं, वही जो है राय दे रही है पुरुषों को, जैसे कि द्वारिका गुनु जी को, यहां पे रकमा अपने पति और अब गंगूबा तात्या को भी, और पुरुषों की समझ में भी आ रहा है। तो क्या कहें इसके बारे में, आप भी अपने कमेंट के जरिए बताइएगा। देखते रहिए चैनल हमारी स्प्रिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.